दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे ने हर किसी को हैरान कर दिया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर लोगों में इतना आक्रोश है कि राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सवाल यही है कि आखिर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एकदम से इतना पानी कैसे आ गया, 3 मिनट में कैसे घुसा बेसमेंट में 12 फुट पानी। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत की वजह है कोचिंग सेंटर की वो व्यवस्था, जिसके कारण छात्रों को 3 ही मिनट में पानी ने ऐसा घेरा कि वो वहां से जिंदा बाहर नहीं आ पाए। दरअसल भारी बारिश की वजह से बाहर सड़क पर 3 फीट पानी का सैलाब था। बताया गया कि तेज रफ्तार से उठी लहर बेसमेंट की खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गई। देखते ही देखते उस बेसमेंट में पानी भरता चला गया। पानी इतना ज्यादा तेजी से दाखिल हुआ कि उन 3 छात्रों को निकलने का मौका ही नहीं मिला और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में उस वक्त करीब 30 से 35 स्टूडेंट्स थे। हादसे से पहले पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उस वक्त शाम के 6:34 हो रहे थे, यानी लाइब्रेरी बंद होने से ये ठीक पहले की बात है। अक्सर शाम को 7 लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, जिसके बाद छात्र बाहर निकल जाते थे। छात्रों ने बताया कि उस दिन भी वो लाइब्रेरी से जैसे ही बाहर निकलने लगे तो सामने से बहुत तेज प्रेशर से पानी आते हुए दिखाई दिया। ठीक 2 मिनट बाद 6:36 पर जब तक छात्र लाइब्रेरी खाली करते तब तक घुटनों तक पानी भर गया था। शाम 6:49 तक बेसमेंट में 4 से 5 फीट पानी भर गया, यानी 3 मिनट के अंदर छात्रों के गले तक पानी पहुंच गया। 5 मिनट के अंदर तो पूरा बेसमेंट यानी 10 से 12 फुट पानी से भर गया। बेसमेंट की छत की ऊंचाई ही 12 फीट है, यानी पूरा बेसमेंट लबालब पानी से भरा था। सांस लेने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। सीढ़ियों से लेकर खिड़कियों तक पानी ने हर जगह रास्ता रोका हुआ था और ऐसे हुई 3 छात्रों की दर्दनाक मौत। मरने वालों के नाम तान्या सोनी, श्रेया यादव और नवीन है। रिपब्लिक भारत की टीम को यह भी पता चला कि राउस कोचिंग सेंटर को बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की इजाजत ही नहीं थी, लेकिन ऑर्डर्स के बाद भी वहां काफी समय से लाइब्रेरी चल रही थी। सवाल सिर्फ राउस कोचिंग सेंटर पर ही नहीं बल्कि तमाम कोचिंग सेंटर्स पर भी उठते हैं कि आखिर MCD की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा था। आखिर क्यों दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स सुरक्षित नहीं है? दरअसल दिल्ली में कुछ 583 कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, इनमें से तो कई ओल्ड राजेंद्र नगर में ही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ ही प्रशासन की पूरी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 67 के पास फायर सिक्योरिटी प्रमाण पत्र है। शहर में कुल 461 कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो बिना फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स रिक्विजिट फायर प्रिवेंटिव एंड फायर सेफ्टी मेजर्स दिशा निर्देशों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आप आए दिन ऐसी वीडियोस देखते हैं। कहीं आग लगती है तो छात्रों को इस तरह कूद कर अपनी जान बचानी पड़ती है। और तो और कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स भी हैं दिल्ली में जिनका कंस्ट्रक्शन ही प्रॉपर नहीं है। ये बिल्डिंग्स ऐसे क्षेत्रों में बनी हैं जहां संकरी और भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं। कई कोचिंग सेंटरों में तो सिर्फ एक ही सीढ़ी है, यानी कि सिर्फ एक स्टेयरकेस, यानी आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता। भगदड़ के केस में यहां कैसा कोहराम मच सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।